इंदौर के रावजी बाजार थाना क्षेत्र स्थित लोहा मंडी में विदिशा के रहने वाले दो युवकों की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत का मामला सामने आया। दोनों युवक इंदौर में रहकर हम्बाली का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों युवकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाई के शव गृह में रखवा कर जाँच शुरू कर दी है। ये नया गाड़ी अड्डा ब्रिज है, वहाँ से लोहा मंडी तरफ जाते है, भारत पेट्रोल पंप के सामने हुआ है। ये लोग सीजी डिलक्स को चेक करा ले से एक्सीडेंट हुआ है, जिनमें दो लोगों की डेथ हो चुकी है। उनकी उम्र लगभग 24-25 वर्ष के लगभग है। जो उनका आधार कार्ड चेक करते विदिशा के बताया, और उनके परिजन भी यहाँ आ चुके हैं, मिले हैं। सर क्या कुछ कारण सामने आया? नहीं, कारण तो जांच के दौरान आएगा। अभी तो एक्सीडेंट की जानकारी लगी थी, घटना स्थल पे भी गए थे वरिष्ठ अधिकारी हम लोग। क्या मालूम पड़ा, क्या काम करते थे? हम्बाल टाइप था एक व्यक्ति तो, और दूसरा जो किसान टाइप लग रहा था। कुछ खरीदारी करके आ रहे? हाँ, कुछ खरीदारी वगैरह पर मिला तो नहीं घटना स्थल पे, तो सीधी डिलक्स गाड़ी मिली, चाबी लगी हुई। आपका परिचय? मैं प्रधान अधीक्षक राकेश सोलंकी, थाना रावजी बाजार, इंदौर। ये जिस वाहन ने इनको टक्कर मारी उसमें किसी की गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी शायद थाने ले गए घटना स्थल से, अभी ले गए घटना के समीप। वो वाहन ट्राला पकड़ा चुका था, थाना परिसर में सुरक्षा से तो खड़ा किया गया। ये दोनों विदिशा के रहने वाले हैं? जी, विदिशा के। किस लिए आया था, कोई कारण सामने आया? नहीं, एक तो मजदूरी करता है, उनके परिजनों ने बताया, और दूसरा कुछ समर्सिबल पंप है मोटर जो, वो लेने आया था।